इस 24 को आंदोलन करते हो, 3 दिन जिस एजेंडे पर उस एजेंडे को चेंज कर देते हो, ये तो मंत्री जी के बाप निकला भाई। ऐसा के आपको कल हमने दिखाया था, नॉट मैरिट वालों ने चेतावनी दे दी है कि प्रदर्शन करेंगे मैरिट वालों के बाद। तो हम पहुंचे मैरिट वालों के पास, वो लोगों का 10 से 15 के बीच में प्रदर्शन शुरू होने वाला है। आप लोगों को जवाब दे रहे हैं, कोई अगर एक प्रदर्शन करेगा ना, हाँ, अनिल 2 प्रदर्शन करेगा, फिर आप लोग प्रदर्शन करेंगे। पूरा एक दिन पहले ऐलान करें, कल तक उनका तो 15 को होने वाला है, 14 कर देंगे, 14 को प्रदर्शन, खाली ऐलान तो हो जाए, ऐलान नहीं हुआ अभी, मतलब उनसे एक दिन पहले कीजिएगा पक्का, और फिर 2 दिन बाद भी, उनके प्रदर्शन से 1 दिन पहले 2 दिन बाद क्या जताना है? और सुनिए, टोटल प्रदर्शन कितना हो जाएगा? 2-3 हाँ, उनका भी हो जाएगा। फायदा किसको होगा? मेरिट धारी को, क्योंकि ये मामला जितना हाइप होगा, जितना हाई प्रोफाइल होगा, फायदा मेरिट धारियों की होगी, फायदा सच्चाई की होगी। हम तो चाहते हैं कि वो 2 करें और हम करें 3, तो टोटल हो जाएगा 5। मेरे भाई, हाथ जोड़कर विनती है, उतर जाओ मैदान में, जल्दी जल्दी प्रदर्शन करो कि ये मामला को पूरा हाइप कर दो। जब मामला हाइप होगा ना, तो जीत सच्चाई की होगी, मुझे पता है। तो बोलते जीत सच्चाई की, हाँ हाँ, तो हो जाए भेजा, तो सच्चा कौन? अरे जो झूठा हो, फ्रॉड हो, अपने ही बोले गए शब्द और अपने बोले गए 22-23-24 के आंदोलन को जो गलत ठहरा दे, वो इंसान इंसान नहीं है यार, क्या बात करते हो। तो मतलब आप 1 दिन पहले और 2 दिन बाद केस वापस ले रहा है, पता है ना, 29 जुलाई को जो किया हुआ केस था, 29 जून वाला, वो सब वापस ले रहा है कि अब पलटो पलटो, अब हार जाओगे, अब हम लोग क्या करो कि इसको एस्टेट घोषित करवाओ। किसी की बाप का मजाल है जो एस्टेट घोषित कर देगा, पकड़ेंगे यहाँ से जबड़ा ऊपर वाला, सब फाड़ देंगे। ऐसे गलत बात है, समझ गए ना, औकात है किसी का, बाप का औकात है का जो वो भी चेतावनी देता है सामने आए तो, हम तो कोई करके दिखा देना, झूठा कहीं का। 22-23-24 को आंदोलन करते हो, 3 दिन जिस एजेंडे पर उस एजेंडे को चेंज कर देते हो, ये तो मंत्री जी के बाप निकला भाई। अच्छा वो तो इतना झूठा आदमी, ये महा झूठा ही सब निकल गया। रिजर्व तो खुला चेतावनी दे रहे भाई कि प्रदर्शन होगा 10 से 15 के बीच में, महाप्रदर्शन होगा। आप कहते हैं कि 100 आदमी रहता है आप लोगों के प्रदर्शन में, 150 आदमी, 30,675 विद्वानों की सूची है हमारे पास। अरे तो आदमी का सिद्धांत वहाँ लागू होगा, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत वहाँ लागू होता है जहाँ जिसके साथ न्याय करना है और जिसके साथ ऑलरेडी न्याय हो चुका है। तो अगर किसी को न्याय करने से उसका अन्याय नहीं हो, वहाँ नैसर्गिक न्याय। आप लोग भी प्रदर्शन करने आएंगे, उनके प्रदर्शन नहीं, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। अब आंदोलन का ऐलान, मेरे भाइयों, मेरे धारी विद्वानों, कमर कसलो, कमर कसलो, कफन बांध के उतर जाओ मैदान में। ये धरती कफन बांधना ये है, ये धरती हक मारने के लिए बनी है, हमारा हक मार लेगा। ये आंदोलन नहीं है हमजा जी, ये आंदोलन नहीं है। अगर इसमें कोई जीतेंगे, हम विद्वान लोग जीतेंगे, तो आज से 5 साल इनके शरीर पर कैसा कपड़ा होगा ये आंदोलन तय करेगा। अच्छा, इनके बच्चे कैसा खाना खाएंगे, आंदोलन सब आंदोलन तय करेगा। तो इन्होंने भी चेतावनी दे दी कि नॉट मैरिट वालों, आपसे 1 दिन पहले हम आंदोलन करेंगे और 2 दिन बाद करेंगे। तो ये चेतावनी कि आप करके देखिए, उससे ज्यादा हम करेंगे। अब देखने वाली बात है क्या होता है। आप जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।